Assalamu alaikum. I am chemistry instructor Muhammad Umair from V Tuition, Pakistan's first free of learning platform, जहां आपको every related topic chemistry HSC part first जो है वो solve कराए जाएंगे और unit का हर topic जो है वो lecture आपके पास जो है वो उसकी how to use how the concept of topic कि हम उस topic को क्यों study करेंगे chemistry के अंदर और इसका स्कोप क्या है आफ्टर स्टडिंग द लेक्चर और रिकॉर्डिंग द लेक्चर, तो इसका क्या स्कोप होगा इंडस्ट्री के अंदर या आने वाले फ्यूचर के अंदर आपके पास, और किस तरह से आप जो है वो इन फ्यूचर बोर्ड एग्जाम जो आपका होगा उसको किस तरह से आप जो है वो सॉल्व करके 100% जो है वो मार्क्स को अचीव कर सकते हैं अपनी केमिस्ट्री को विद एक्सपीरियंस टीचर के साथ जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप वी ट्यूशन पर ही जो है वो इसे जो है वो कामयाब कर सकते हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो यूनिट नंबर 1 है मोल। स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था बार बार जो है वो स्टूडेंट जो है वो मोल के ऊपर वीडियो लेक्चर जो है वो डिटेल वीडियो लेक्चर का जो है वो हमें जो है वो रिप्लाई दे रहे थे कि आप जो है वो एक ऐसा वीडियो लेक्चर बनाएं मोल कंसेप्ट के ऊपर जिसके अंदर जो है वो हम केमिस्ट्री के अंदर क्यों मोल को जो है वो स्टडी करते हैं और मोल कंसेप्ट की क्या हमें जो है वो जरूरत पड़ती है केमिस्ट्री के अंदर और इसे हम जो है वो क्यों सॉल्व करते हैं और इसके जो क्वेश्चन पेपर के अंदर जो न्यूमेरिकल पोर्शन आता है एक्सरसाइज का जो एंड पोर्शन होता है उसके अंदर भी जो टॉपिक मोल है उसके कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो लिंक करते हैं और हम इजीली किस तरह से एक फार्मूला को यूज करते हुए जितने भी हमारे पास मोल कैलकुलेशन रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। इसके ऊपर जो है वो डिटेल वीडियो जो है वो आज मैंने आपके सामने जो है वो अपलोड की है जिसके अंदर जो है वो हम अपने जो कंसेप्ट हैं वो बिल्कुल माइन्यूट लेवल पर जाकर जो है वो कंसेप्चुअली हम जो है वो मोल को आज जो है वो हम इस लेक्चर में स्टडी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे सामने जो है वो मोल का जो कंसेप्ट है वो ये है कि डेट इज मोल इज अ काउंटिंग यूनिट। मोल जो है वो हमारे पास जो है वो काउंटिंग यूनिट होती है। तो हमारे पास आज की जो आउटलाइन है डेट इज नंबर 1 मोल, व्हाट इज मोल। सेकंड जो है वो हाउ वी स्टडी कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, किस तरह से जो है वो हम मोल के कॉन्सेप्ट को केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते। कैलकुलेशन फार्मूला फॉर मोल डेट इज आवर पॉइंट नंबर 3 जो हमारे पास है कि किस तरह से हम मोल को कैलकुलेट करते हैं, हाउ वी कैन सॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल इक्वेशंस रिलेटेड विद द मोल। एंड द फोर्थ पॉइंट इज डेट इज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रिलेटेड मोल कॉन्सेप्ट। एक्सरसाइज जो आपकी जो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री है इसका जो स्टोइकोमेट्री जो हमारे पास है इसके अंदर मोल को स्टडी करने के बाद उसकी एवरी एस्पेक्ट के साथ उसको स्टडी करने के बाद हम उसके न्यूमेरिकल पोर्शन में जाएंगे जो एक्सरसाइज के अंदर रिलेटेड है, ताकि आपके पास एग्जाम के अंदर जो एक्सरसाइज न्यूमेरिकल क्वेश्चन का पोर्शन है वो आप जो है उसको समझते हुए इजिली सॉल्व कर सकें। तो ये हमारी आज की आउटलाइन है। अब जो हमारा लेक्चर है वो सबसे पहले मोल, व्हाट इज मोल। तो स्टूडेंट मोल के कंसेप्ट को आप इस तरह से समझें कि जिस तरह हमारे पास जो है वो डेली लाइफ के अंदर हम डिफरेंट काउंटिंग यूनिट्स को यूज करते हैं, तो सिमिलरली मोल भी एक हमारे पास जो है वो टुडे काउंटिंग यूनिट है टू कैलकुलेट मॉलिक्यूल्स एटम्स एंड पार्टिकल्स इन केमिस्ट्री। तो सबसे पहले मोल की डेफिनेशन पर हम जाते हैं। तो मास ऑफ एन एटम मॉलिक्यूल ऑफ फार्मूला यूनिट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोल। तो डेफिनेशन ये कहती है कि किसी भी एटम का जो हमारे पास मास होता है, किसी भी एटम का हमारे पास जो मास होता है वो हमारे पास, या हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूल का जो मास होता है या हमारे पास फार्मूला यूनिट का जो मास होता है। स्टूडेंट अगर आप जो है वो एटम मॉलिक्यूलर एंड फार्मूला के अंदर डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो आप जो है वो इनकी जो यूनिट्स होती हैं वो ग्राम ही यूज करते हैं, बिकॉज मास की जो यूनिट है हमारे पास वो डेली लाइफ के अंदर वो ग्राम होती है अगर हमारे पास क्वांटिटी बहुत ही लेस अमाउंट में। तो स्टूडेंट इसलिए हमारे पास जब एटम्स मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट्स एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, जब एक्सप्रेस का मीनिंग ये है कि जो यूनिट हम इसके साथ लगाते हैं वो ग्राम लगाएं, इसके मीनिंग जो है वो हम मोल कंसिडर करते हैं, ये हमारे पास जो है वो मोल कहलाता है। अब स्टूडेंट इसको मैं डेली लाइफ के साथ एग्जाम्पल दूंगा आपको ताकि जो आपका कंसेप्ट है मोल पर वो 100% जो है वो क्लियर हो जाए। इसके लिए स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल हम डेली लाइफ के अंदर जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, थिंग्स हैं, उनकी जो काउंटिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल
अगर आप जो है वो शॉप पे जाएं और आप जो है वो वहां से परचेज करना चाहें राइस, तो आप कहते हैं मुझे जो है वो राइस चाहिए, लेकिन आप उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं ताकि जो आप अपनी जो है वो परचेज करना, जो आपके पास अमाउंट है, क्वांटिटी है राइस की, वो कितनी अमाउंट में आप जो है उसे परचेज करना चाह रहे हैं। आप जो है वो यूनिट यूज करेंगे, आप कहेंगे कि मुझे जो है वो 2 kg राइस चाहिए, मुझे 3 kg राइस चाहिए, 4 kg राइस चाहिए या 5 kg और एक्सेट्रा। तो ये आपका 5 kg जो है वो 3 kg 4 kg ये यूनिट है किलोग्राम की, और ये आपका 3 4 5 जो आप राइस के साथ यूज कर रहे हैं ये क्वांटिटी ऑफ राइस को, अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली आप जो है उन राइस के साथ, फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो परचेज करना चाह रहे हैं कोई पल्सेस है आपके जो दालें हैं, आप उनकी भी क्वांटिटी 1 kg 2 kg 3 kg जो है वो, या 1 kg व्हीट जो है वो 2 kg मेज, तो ये आप जो है वो इस तरह से क्वांटिटी मेजर करते हैं। और इस तरह आप बगैर काउंटिंग यूनिट के कभी भी अपनी जो थिंग है, जो आपकी क्वांटिटी है, उसको आप कभी परचेज नहीं कर सकते। और आप जो है वो इस तरह से अपना जो आपके जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो कभी भी आप जो है वो शॉपकीपर को जो है वो क्लेरिफाई नहीं कर पाते जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। तो सिमिलरली स्टूडेंट, केमिस्ट्री के अंदर अगर आप किसी भी केमिकल का फार्मूला आप चेक कर रहे हैं या आप कोई केमिकल रिएक्शन को टाइप कर रहे हैं, तो उस केमिकल रिएक्शन को टाइप करने के लिए आप जब तक उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको या एलिमेंट्स या एटम्स की कितनी उसकी अमाउंट चाहिए, कितनी उसकी वैल्यूज होनी चाहिए, उसके लिए आप जब तक काउंटिंग यूनिट को यूज नहीं कर देंगे स्टूडेंट्स, तो आप जो है वो केमिस्ट्री के अंदर अपने प्रैक्टिकल या लैब वर्क के लिए ये कैलकुलेशन कभी भी नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट यहां से उम्मीद करता हूँ आपको मोल का कंसेप्ट जो है वो क्लेरिफाई हुआ होगा कि हमारे पास मोल इज अ काउंटिंग यूनिट इन केमिस्ट्री। मोल जो है वो हमारे पास काउंटिंग यूनिट है केमिस्ट्री के अंदर। और एग्जाम्पल दूं आपको, तो फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो एक परचेज करते हैं शॉप से, तो आप उसके साथ डजन, हाफ डजन या 2 डजन यूज करते हैं। तो व्हाट इज डजन? तो ये हमारे पास डजन जो है वो 12 का हमारे पास जो है वो कॉम्बिनेशन है, इस इट मीन के 1 डजन इक्वल टू 12। इस तरह से हमारे पास जो है वो एक जो है वो आप परचेज कर सकते हैं, या आप एप्पल परचेज करना चाहें तो उसके लिए भी आप यूनिट को यूज करते हैं। तो सिमिलरली आपके पास फॉर एग्जाम्पल जो है वो केमिस्ट्री के अंदर फार्मूला है, डेट इज NaCl। आपके पास सोडियम क्लोराइड जिसे आप टेबल साल्ट कहते हैं, बट हाउ टू कैलकुलेट द टेबल साल्ट NaCl इन लैब? तो आप उसको लैब के अंदर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट? तो लैब के अंदर आपके पास जो NaCl, उसकी कैलकुलेशन के लिए यूनिट होगी, आप यूज करेंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन में, फॉर एग्जाम्पल 1 मोल NaCl, 2 मोल NaCl और 3 मोल NaCl। मोल इज अकाउंटिंग यूनिट फॉर NaCl इन दिस वर्क। आपके पास जो है वो इसके अंदर NaCl की काउंटिंग यूनिट मोल कहलाएगी। सिमिलरली स्टूडेंट, अब वाटर जो है उसका फार्मूला होता है H2O, दैट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर। तो H2O के हाउ मेनी मोल्स आर यूज इन अ केमिकल रिएक्शन? तो आप जो है वो यूनिट यूज करेंगे 2 मोल 3 मोल और 4 मोल ऑफ वाटर। इस तरह से आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को। तो हमारे पास इसी तरह एटम्स हैं, तो हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। आप उनकी कितनी अमाउंट को, क्वांटिटी को मेजर करते हैं, आप कहते हैं 2 मोल कार्बन एटम, 3 मोल कार्बन एटम, 4 मोल कार्बन एटम। इस तरह से आप जो है वो काउंट कर सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर, और केमिस्ट्री के अंदर मोल जो है वो काउंटिंग यूनिट के लिए कंसिडर की जाती है। अब स्टूडेंट, किस तरह से हम एटॉमिक मास को कन्वर्ट कर सकते हैं ग्राम के अंदर और मोल के अंदर? तो स्टूडेंट, नाइट्रोजन जो एन हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक सिंगल एटम है, इसके हमारे पास डेट इज एटॉमिक मास AMU, एटॉमिक मास यूनिट इसका 14 है, बट व्हेन वी कन्वर्ट इनटू ग्राम डेट इज 14 ग्राम। एंड सिमिलरली व्हेन वी कन्वर्ट 14 ग्राम इनटू मोल, तो हम जो है वो 14 ग्राम को 1 मोल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। नाउ आपने यहाँ स्टूडेंट देखा कि हम जो है वो किसी भी एटम को कन्वर्ट कर रहे हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स के अंदर। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मीन आपके पास जो नाइट्रोजन की क्वांटिटी है वो मोल काउंट कर रहे हैं आप, जो है वो 1 मोल नाइट्रोजन लिया। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, और आप जो है उसका जो मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं वो 44 ग्राम पर मोल होता है, बिकॉज कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 32, एंड 32 प्लस 12 इक्वल टू 44। सो वी कैन राइट दैट 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल
इज इक्वल टू वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो हमारे पास जो है वो ये वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के इक्वल होता है स्टूडेंट. सिमिलरली अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड है डेट इज NaCl, तो सोडियम क्लोराइड जो है वो हमारे पास सॉल्ट है, और आपके पास जब भी कहीं सॉल्ट यूज होता है स्टूडेंट तो आयनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट इन सॉल्ट. जहां सॉल्ट होते हैं उनमें जो बॉन्ड है वो हमेशा ऑलवेज आयनिक बॉन्ड होता है. सो आयनिक बॉन्ड का जो नेम होता है वो फार्मूला यूनिट होता है. तो स्टूडेंट आपने यहां से एटम मॉलिक्यूलर एंड फार्मूला यूनिट के दरमियान भी डिफरेंस सीखा कि हमारे पास अगर आयनिक कंपाउंड होगा तो हम वर्ड चेंज करेंगे, वही हमारे पास मॉलिक्यूल फार्मूला यूनिट बन जाएगा, क्योंकि वो हमारे पास फार्मूला किन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन यूनिट से मिलकर बने. सो वन मोल ऑफ NaCl इक्वल टू 58 ग्राम्स. तो स्टूडेंट ये मोल का कंसेप्ट था, इसकी डेफिनेशन एंड रिलेशन था. तो स्टूडेंट अब मैं आपको एक और कंसेप्ट से जो है वो मोल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कराता हूं. आई होप के इसको पढ़ने के बाद स्टडी करने के बाद आपका जो मोल कंसेप्ट है वो 100% क्लियर हो जाएगा विद एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर एट वी ट्यूशन पर. दैट इज नंबर वन कॉन्सेप्ट ऑफ मोल बाय यूजिंग अ केमिकल रिएक्शन. स्टूडेंट अगर आपने कोई केमिकल रिएक्शन राइट करना है तो उसके अंदर मोल का कॉन्सेप्ट किस तरह से यूज होगा. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू गिव्स प्रोडक्ट दैट इज अमोनिया प्लस कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर. नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन यहां पर यह है कि हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन है, बट अगर ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू स्टोइकोमेट्री कैलकुलेशन, तो हम किस तरह से इसकी अमाउंट जो हमारे पास रिएक्टिंग स्पीशीज है उनकी क्वांटिटी को मेजर करें और हमारे पास जो प्रोडक्ट है उनकी क्वांटिटी को भी मेजर करें. तो स्टूडेंट मैंने आपको अभी क्लियरिफाई कराया कि हमारे पास जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल को कंपाउंड को एटम्स को काउंट करने की जो यूनिट है वो मोल है. तो हम इस केमिकल रिएक्शन को अगर हम जो है वो एक्सप्रेस करें मोल के वेस के अंदर और अपनी जो है वो रिएक्शन वेस के अंदर, तो हम जो है वो इस तरह से इसको अंडरस्टैंड कराएंगे व्हेन टू मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड विद वन मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूसेस टू मोल ऑफ अमोनिया प्लस वन मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड प्लस टू मोल ऑफ वाटर. तो स्टूडेंट यहां आप देख रहे हैं कि जो कोफिशियंट है वो नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट कर रहे, तो जो भी मॉलिक्यूल हो उसका जो कोफिशियंट होगा ये नंबर ऑफ मोल होगा एंड नंबर ऑफ मोल इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन. इसी तरह जिसका कोफिशियंट कुछ भी ना हो स्टूडेंट, तो जिस तरह आप जो है वो मैथ्स के अंदर पढ़ते हैं तो यहां भी कोफिशियंट जो है वो वन कंसिडर किया जाएगा. सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो मोल है वो वन मोल है. सिमिलरली स्टूडेंट टू मोल ऑफ अमोनिया इज प्रोड्यूस एंड वन मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज प्रोड्यूस एंड टू मोल ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस्ड. सो इस तरह से आप जो है वो इन कंसेप्ट ऑफ मोल अपना जो केमिकल रिएक्शन है उसको अंडरस्टैंड करा सकते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से. नेक्स्ट स्टूडेंट चलते हैं हम जो है वो इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड मेस, कि अगर हमारे पास जो है वो काउंटिंग यूनिट मोल यूज हो रही है तो किस तरह से हम उन मोल से मेस को कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर हमने उस मोल से कितना मेस जो है वो प्रोड्यूस किया है, चाहे वो रिएक्टेंट्स हो या चाहे वो प्रोडक्ट्स हो. तो कितनी अमाउंट जो है वो हमने रिएक्शन के अंदर उन मोल से जो मेस है वो गिवन मेस उसको कैलकुलेट करना है. तो मोल मेस का रिलेशन होता है, क्योंकि हमारे पास जो यूनिट आएगी एटम मॉलिक्यूल मेस के लिए वो मोल काउंटिंग यूनिट है, और उसके साथ जो है वो हम जो SI यूनिट यूज करेंगे वो ग्राम होगा हमारे पास. तो स्टूडेंट फार्मूला जो है हमारे पास वो नंबर ऑफ मोल्स एंड मास रिलेशनशिप का, वो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस. तो अगर स्टूडेंट आपके पास किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए अगर आपके पास मोल कैलकुलेट करने हो मास गिवन हो, तो आप इस फार्मूला ऑफ मोल को यूज करते हुए इजिली जो है वो अपने न्यूमेरिकल्स पोर्शन, अपने एग्जाम्पल्स के पोर्शन और अपनी जो है वो लैब वर्क को सॉल्व कर सकते हैं इजिली एंड 100% एक्यूरेटली. Now, numerical question related with mole concept. तो student, concept of mole को 100% clear करने के लिए हम इससे related numerical portion को भी solve करते हैं. और numerical portion जो आपके पास unit number 1 में after studying the mole concept जो है वो exercise का question number 1 का part 1 है. और ये part जो है वो solve करने के बाद student, I hope कि आपको किसी भी numerical के अंदर कोई भी problem नहीं होगा जो भी रिलेटेड विद मोल एंड मोल कंसेप्ट होगा. तो स्टूडेंट जो पार्ट वन है वो हमारे पास ये है
कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। अब क्वेश्चन के अंदर ही स्टूडेंट नंबर ऑफ मोल्स को उसने पूछा है, तो नंबर ऑफ मोल्स स्टूडेंट अगर पूछे हैं और आपका कंसेप्ट जो है वो मोल में क्लियर है स्टूडेंट, तो आप जो है वो इसका मोल का आंसर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट लिख सकते हैं स्टूडेंट। एंड मॉलिक्यूल्स इन पार्ट वन डेट इज 38 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डेट इज CH2 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन वन डाई मीन टू सल्फाइड मीन सल्फर। सो स्टूडेंट सबसे पहले जो है वो हम क्वेश्चन के पार्ट के अंदर देखें तो हमें जो है वो गिवन के अंदर है 38 ग्राम। नाउ व्हाट इज 38 ग्राम स्टूडेंट, ये गिवन क्वेश्चन के अंदर मास ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड है जो हम प्रैक्टिकल के अंदर लैब के अंदर लेंगे, जो हमने ग्राम के अंदर कैलकुलेट किया है किसी भी मेजरिंग बैलेंस के ऊपर, डेट इज डिजिटल बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। सो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास जो है वो कार्बन डाइसल्फाइड के जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कैलकुलेट करें कि हमारे पास अगर कार्बन डाइसल्फाइड को यूज करेंगे तो उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स लेने। स्टूडेंट आंसर जो है वो इसका 0.499 मोल्स आएगा। तो स्टूडेंट आप फॉर्मूले को यूज करें तो सॉल्यूशन के अंदर हम लिखते हैं डेट इज सॉल्यूशन नंबर ऑफ मोल इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन। नंबर ऑफ मोल को हम स्टूडेंट रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से, एंड स्मॉल एन जो है वो हमारे पास स्टूडेंट जो है वो इक्वल होता है डेट इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो सॉल्यूशन के अंदर स्टूडेंट हम इसके अंदर राइट करते हैं डेट इज आवर सॉल्यूशन व्हिच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब स्टूडेंट यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है और हमारे पास जो है वो मास क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही हमें जो है वो गिवन है, सो हम जो है वो इजिली सॉल्व कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स को डेट इज इक्वल टू मास इन ग्राम गिवन इन द क्वेश्चन 38 हमारे पास जो है वो ग्राम एंड डिवाइडेड बाय हम जो है वो मॉलिक्यूलर मास। और स्टूडेंट यहां आपको बताता चलूं मॉलिक्यूलर मास जो है वो आप फार्मूले से खुद कैलकुलेट करेंगे। अब मॉलिक्यूलर मास जो है वो कार्बन डाइसल्फाइड का किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो स्टूडेंट इसके लिए आप जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला में कार्बन की जगह आप 12 पुट करेंगे तो प्लस जो है वो सल्फर 32 मल्टीप्लाई बाय 2 बिकॉज 2 एटम ऑफ सल्फर इज यूज्ड। सो 38 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 32 मल्टीप्लाई बाय 2 64 एंड 64 प्लस 12 इज इक्वल टू 72। सो स्टूडेंट 38 डिवाइडेड बाय 72 इक्वल टू 0.499 मोल्स। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने जो है वो 100% जो है वो हमने अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आपके सामने जो है वो नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट किया है स्टूडेंट। तो हम अपने आंसर को कंफर्म करते हैं स्टूडेंट डेट इज 38 डिवाइडेड बाय 72। तो स्टूडेंट आंसर जो है वो हमारे पास 38 को आप 72 पे डिवाइड करें तो पॉइंट जो है वो 499 मीन 0.5 499 को आप कंसिडर कर सकते हैं 0.5 के और 0.522 डेट इज इक्वल टू 0.499। स्टूडेंट यहां आपको एक और कंसेप्ट देता चलूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं और ये कंसेप्ट स्टूडेंट आप सिर्फ और सिर्फ ऑनली वी ट्यूशन पर अपने एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस ट्यूटर के साथ जो है वो हासिल कर सकते हैं जस्ट एक क्लिक के ऊपर। और आपने जस्ट हमें जो है वो वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करना है ताकि जो है वो आपके कंसेप्ट केमिस्ट्री के अंदर हर पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट यहाँ ये बात आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि आपका आंसर कभी कभी पॉइंट के डिफरेंस से होता है 499 और समथिंग। तो स्टूडेंट इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं, एक्चुअली जो हमारे पास जो मास होता है वो एवरेज एटॉमिक मास कंसिडर किया जाता है, जो हमारे पास आइसोटोपिक एवरेज मास होता है और आइसोटोप एवरेज मास हमेशा पॉइंट्स के अंदर होता है। और हमने यहाँ क्योंकि ये जो CH2 को होता है इसके अंदर आइसोटोपिक एवरेज मास को हमने पॉइंट पॉइंट को निगलेक्ट किया है, हम इन पॉइंट पॉइंट के डिजिट से बचने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा आंसर जो है वो 100% एक्यूरेट आ सके। सो आपने स्टूडेंट अगर आप पॉइंट में फर्क भी है डिफरेंस आ रहे आंसर में तो आपने जो है वो इस बात पे कोई भी जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेना, आपका आंसर जो है वो 100% राइट होगा इफ यू कैन सॉल्व न्यूमेरिकल विद केमिस्ट्री वी ट्यूशन प्लेटफॉर्म। अगर आप इस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो आपके लिए कोई भी
इन फ्यूचर परेशानी नहीं होगी। तो स्टूडेंट अब न्यूमेरिकल पोर्शन को सॉल्व करने के बाद हम जो है वो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो के रिलेटेड है पार्ट टू क्वेश्चन नंबर वन का, नंबर ऑफ मोल के साथ, नंबर ऑफ मोल्स इन 68.4 ग्राम ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज हमारे पास केमिकल फार्मूला है जिसका हमारे पास C12H22O11 है और इसके जो मास इन ग्राम है दैट इज 68.4 ग्राम। सो स्टूडेंट सिमिलरली जिस तरह आपने प्रीवियस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया एग्जाम के अंदर, ये न्यूमेरिकल जो है वो अक्सर आता है और जो है वो स्टूडेंट इसका भी फार्मूला सेम है। मोल जो है वो हम अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो हम जो है उसके सॉल्यूशन पर जाते हैं। सॉल्यूशन के अंदर स्टूडेंट हम जो है वो इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं कि हमारे पास जो है वो इसका नंबर ऑफ मोल को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और हम जो है वो फार्मूला वही अप्लाई करते हैं, मोल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास डेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल। स्टूडेंट हमारे पास जो है वो एन इक्वल टू मास इन ग्राम होते हैं स्टूडेंट, तो हम जो है वो यहाँ पर मास इन ग्राम को पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल एन इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास व्हिच इज इक्वल टू मास इन ग्राम इज गिवन स्टूडेंट इन द क्वेश्चन दैट इज 68.4 ग्राम ऑफ सुक्रोज एंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो स्टूडेंट यहां मॉलिक्यूलर मास मैंने आपके सामने पहले से राइट किया हुआ है दैट इज 342। अब स्टूडेंट ये 342 किस तरह से आया है और इसके साथ ग्राम पर मोल यूनिट कैसे आई है स्टूडेंट, तो आपने इसी तरह से जिस तरह आपने CH2 का कैलकुलेट किया आपने जो है वो C12H22O11 का टोटल मास आप निकालेंगे वो हमारे पास 342 के इक्वल आएगा। स्टूडेंट ये किस तरह से फाइंड आउट होता है, अगर आपके कॉन्सेप्ट जो है वो मॉलिक्यूलर मास के अंदर क्लियर नहीं है तो हमारा आने वाला जो नेक्स्ट जो आने वाला वीडियो लेक्चर है वो हमारे पास इसी मॉलिक्यूल्स के ऊपर एंड मॉलिक्यूलर मास के ऊपर है। तो स्टूडेंट इस आने वाले लेक्चर को आप जो है वो देख सकते हैं अगर आपने जो है वो हमारे वी ट्यूशन को सब्सक्राइब किया तो आप जो है वो इजिली इसको अवेल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जब इनको आप जो है वो डिवाइड करेंगे यहाँ पर हमारे पास जो है वो 68.4 ग्राम को, तो आंसर जो स्टूडेंट आपके पास आता है इसको हम कंफर्म करते हैं 68.4 डिवाइडेड बाय 342 विच इज इक्वल टू जो कि हमारे पास जो है वो इक्वल टू 0.2 आता है स्टूडेंट, तो डेट इज और एग्जैक्ट 100% एक्यूरेट आंसर डेट इज 0.2 स्टूडेंट ग्राम। ग्राम से यहाँ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम यूनिट है, सो 0.2 के साथ जो आप यूनिट लेंगे स्टूडेंट वो आप जो है वो मोल को ही कंसिडर करेंगे। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि आपके पास जो है वो मोल की जो यूनिट आती है वो मोल ही है। बिकॉज स्टूडेंट यहाँ ये बात मैं इम्पोर्टेंट बताना चाहूंगा कि वाई द यूनिट ऑफ मोल इज ऑल्सो मोल, कि मोल की जो यूनिट हम लगाएंगे वो मोल ही क्यों ली जाती है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट डेफिनेशन जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो ये बात मैंने आपको वहां क्लेरिफाई कराई थी कि मोल इज अ काउंटिंग यूनिट स्टूडेंट, तो जो हमारे पास खुद यूनिट है काउंटिंग यूनिट है तो उसी को हम कंसिडर करेंगे जब हमारे पास जो आंसर आएगा वैल्यू आएगी मैग्नीट्यूड के साथ, क्योंकि डेफिनेशन कहती है मोल इज अ काउंटिंग यूनिट इन केमिस्ट्री। जिस तरह फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है तो 9.8 न्यूटन 3 न्यूटन एन, इसी तरह मोल की यूनिट मोल होती है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं मोल के ये जो कंसेप्ट हैं जो है वो आपने 100% जो है वो एक्यूरेटली जो है वो हमारे साथ सीखे होंगे और इससे बेस्ट वीडियो लेक्चर स्टूडेंट मोल के ऊपर शायद ही स्टूडेंट जो है वो आपको कहीं मिल पाए, जो है वो ओनली एंड ओनली ये वी ट्यूशन के ऊपर ही आपको जो है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। इसके अलावा आपके पास जो है वो अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हो मोल एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ या किसी और टॉपिक से रिलेटेड, आप हमें www.vtuition पर जो है वो ज्वाइन कीजिए और हमें जो है वो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी पर ज्वाइन करके अपने जो है वो फीडबैक भी हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। हमें फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो फॉलो करें ताकि जो है वो आपके कंसेप्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू एग्जाम एंड बुक्स जो है वो आपके सॉल्व हो सके। तो स्टूडेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूले। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।